हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए दोस्तों। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। ये वीडियो उन लोगों के लिए दोस्तों जिनको लगता है कि मैं इसकी मदद करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बदले में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है तो सुनिएगा पूरा, क्योंकि हो सकता है इससे आपकी लाइफ बदल जाए, हो सकता है इससे आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि सोच बदलती है तो ज़िंदगी बदलती है। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एक बंदे की जो एक गांव में रहता है और गांव से वो शहर जाता है। तो सोचता है कि शहर जाके कुछ करूँ, तो शहर में जाकर वो एक जॉब ढूंढ लेता है अपनी मेहनत से। गांव से डेली शहर जाता है तो कुछ रास्ते पैदल चल के, कुछ बस के जरिए और कुछ वही ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो उसको लगा कि क्यों ना मैं बाइक ख़रीद लेता हूँ, और अगर मैं बाइक ख़रीदता हूँ तो हो सकता है कि भाई उसको ट्रांसपोर्ट में दिक्कत ना जाए, वो जल्दी अपने काम पर जा सकता है। तो वो एक बाइक ख़रीद लेता है। कभी भी जब भी आम इंसान अगर कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसको है ना उसका एक हो सकता है, क्योंकि मैं 100 के 100 लोगों को नहीं बोलूँगा, 100 में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका गुमान आ जाता है, एक एटीट्यूड, एक ईगो आ जाता है कि यार मैं तो अब इसका मालिक हूँ। और जिनके पास वो नहीं होता वो उनको एक हीन भावना से देखते हैं, ऑब्वियस है। तो ऐसा होता भी है लोगों के साथ अक्सर। बट क्योंकि दोस्तों वो जो, अब मैं उसका नाम दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो रामू है, जो मेहनती है, जितने मेहनत से जॉब पाई, मेहनत से जॉब में पैसे कमा के एक बाइक खरीदी, वो ये जानता है कि वो डाउन टू अर्थ बंदा है। और डाउन टू अर्थ होने के साथ वो पता था कि जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो आज भी जहाँ से वो पैदल जाकर गांव से बस पकड़ता था, वो आज भी बहुत से लोग पैदल जा रहे हैं, तो उसको उन लोगों की इज्जत है। वो जानते हैं कि वो भी एक दिन पैदल जाता था, आज भले उसके बाद बाइक हो गई तो क्या, उन लोगों के लिए आज भी उसके लिए रिस्पेक्ट है। ऐसे रिस्पेक्ट आपको भी दूसरों के लिए करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वो क्या करता है कि जब भी अपने काम के लिए जाता है, और जब रास्ते में उसको सुबह और शाम के वक्त कुछ लोग जब रास्ते में पैदल मिलते हैं तो वो अपनी बाइक में उसको बिठा लेता है और फ्री में लिफ्ट दे देता है कि भैया कहाँ जाना बताओ, छोड़ देता हूँ। तो लिफ्ट दे देता है, और ऐसा करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो एक दिन दोस्तों क्या होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सोचोगे यार ये तो बेवकूफ़ है, किसी को भी लिफ्ट दे देना ये तो बहुत बेवकूफ़ वाली बात है। ऑब्वियस है, चलो हो भी सकती है, मैं ये कहता हूँ। और सच बताओ कि उसके साथ एक घटना भी हुई। एक दिन रात का समय था, वो आ रहा था, तो उसने एक बंदे को लिफ्ट दी, जैसे उसने नॉर्मल राहगीर को लिफ्ट देता है। तो उसने देखा कि उस जो जिस भी उसने एक बंदे को लिफ्ट दी, उसने उसको थोड़ी देर दूर जाकर उस गाड़ी को रोकने के लिए कहा, और रोकने के बाद चाकू निकाल लिया और उसकी गाड़ी को लूट के चला गया। वो बहुत निराश हो गया। उस दिन उसको पछतावा हुआ कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, और मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं तो हर राहगीर को लिफ्ट दे देता हूँ, और मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मेरे को ही लूट के चले गए। तो वो रोते रोते चला गया, और जब वो अपने गांव पहुंचा और गांव में देखा कि उसका जो घर है दोस्तों, उस क्योंकि उसको बहुत टाइम लग गया, ऑब्वियस है पैदल जाना था उसको, और रात के समय कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था तो उसको टाइम लग गया। तो जब वो अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचने के बाद जब वो रात में सोया, तो सुबह उठने के बाद क्या देखता है कि उसके घर के नीचे उसकी बाइक खड़ी हुई है। वो चौंक गया, बोला अरे ये कैसे, और एक खत उसके दरवाजे के पास में रखा हुआ था, घर के दरवाजे के पास में रखा हुआ था। उस खत पे लिखा हुआ था कि भैया कौन हो तुम, आखिर हो कौन, आखिर तुम्हारी बाइक एक बाइक है क्या, एक सुपरस्टार। वो चौंक गया और उस पत्र को, उस खत को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि जैसे जब मैंने तुमसे बाइक चुराई तो उस बाइक में हवा कम थी, तो ये सोच के चलो हवा भरा लेता हूँ, एक पंचर वाले के पास गया। तो देखा कि पंचर वाला जैसे उस बाइक को देखता है, बोलता है अरे ये बाइक तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये तो रामू की बाइक है। तो वो घबरा गया, उसने सोचा कि शायद ये तुमको जानता होगा, तो बोला नहीं रामू ने मुझे दी है। तो वो उसके बाद उसने देखा कि पेट्रोल कम है, पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप में देखा, वहाँ पर देखा अरे ये बाइक तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, ये तो रामू की बाइक है।
वहाँ से निकला, फिर एक कबाड़ी के पास जाके उसने सोचा कि चलो इस बाइक को बेच देते हैं, पीछा छुटाते हैं। तो जब कबाड़ी के पास गया तो कबाड़ी तक ने बोला, अरे ये बाइक तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो रामू की बाइक है। तो उसको लगा कि यार सभी जानते हैं अभी इसमें तो फंस सकता है, तो वो भैया आप अपनी बाइक अपने पास रख लो, तुम्हारी बाइक बाइक नहीं है, एक सुपर स्टार है, हर कोई उसको जानता है। तो वो चीज़ वो समझ नहीं पाया और उसकी बाइक और एक खत रख के चला गया और रामू जोर जोर से हंसने लगा। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा दोस्तों, उसने जो एक सोचा था कि मैं रास्ते चलते जो भी लोग मुझे मिलते हैं अगर मैं उनको लिफ्ट दे देता हूँ, और उसी से उसको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने उसी पेट्रोल पंप वाले को, उसी पंचर वाले को, उसी कबाड़ी को, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने लिफ्ट दी और जिससे उसने उससे संबंध बढ़े। दोस्तों संबंध, आप किसी के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ कि वो एक अपनों से भी ज़्यादा बड़े एक एहसान के तौर पे आदमी सामने वाला लेता है। हो सकता है कि वो उस दिन आपके, हो सकता है कि वो उस दिन आपके लिए वो काम करे जिस दिन आपका कोई सगा आपके लिए वो काम नहीं कर पाए। सो कभी भी किसी की मदद करने के लिए कभी पीछे मत हटिए। अगर आप किसी का भला कर सकते हैं, आप किसी का भला हो सकता है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल मदद कीजिए। ये सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। कामयाब आदमी तो दोस्तों कैसे भी आप मेहनत करके तो बन ही जाएंगे, नॉलेज हासिल करके तो बन ही जाएंगे, बट आपने कामयाबी के साथ में दोस्तों इज्जत भी पानी है और आपने अपने संबंध भी बना के रखने हैं कि कहीं भी आप जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कह दे कि यार ये तो एक बेईमान आदमी है, यार ये तो ये ऐसा है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और कुछ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और दोस्तों इसके साथ एशिया टेलीकॉम की अभी सीट बुकिंग चालू है। अगर आप एशिया टेलीकॉम को नहीं जानते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। बाकी आप फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए एशिया टेलीकॉम, और फेसबुक पे आप देखिए कि डेली क्लासेस के हमारे वीडियो डले हैं जो कि वर्ल्ड में अभी मेरे ख्याल से नंबर वन इंस्टीट्यूट के तौर पर जो डेली क्लासेस के वीडियो डाल रहा है। हमारे एक इंस्टीट्यूट का हमारा एक टारगेट होता है कि हम कि जब स्टूडेंट को सुबह 8 बजे लें या 11 बजे लें, कभी भी हम जब स्टूडेंट को क्लासेस में लेते हैं तो हम उसे पूरा दिन जो भी काम करवाएं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, जो भी हम लाइव ट्रेसिंग, ट्रबल शूटिंग या जो भी हमारा उस दिन चैप्टर हो रहा हो, तो वो हम रात में उससे ज़रूर पूछें, आउटपुट लें और वो लाइव। सो अगर आपने हर दिन के, आप देखिए अभी 28 नवंबर का बैच चल रहा है, 27 नवंबर से टोटल मिलाओ तो अभी तक की डेट में सारे हमारे बैचेस के रिव्यू डले हुए हैं लाइव और बहुत ज़्यादा व्यू है, एक में तो 1.5 लाख से ज़्यादा व्यू आए हैं। सो आप जाइए फेसबुक पर उसको लाइव देखे, और अगर आपको लगे कि इंस्टीट्यूट अच्छा है, आपको पढ़ा सकता है, एक सबसे बड़ी बात एक इंस्टीट्यूट के अच्छे होने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी 2-4-6 महीने पहले खुला इंस्टीट्यूट नहीं है कि एक्सपीरियंस ना हुआ, और यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज, आपको जब आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ के टीचरों को क्या नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें आप इस इंस्टीट्यूट में पाएंगे और एक एंडलेस सोल्यूशन, टॉपिक वाइज नहीं, एंडलेस सोल्यूशन आप यहाँ पे आपको मिलेगा और ज़िंदगी भर जुड़ने का मौका। कि आप देखिए अभी बैकअप के हमारे बहुत सारे बच्चों के हम डालने वाले हैं तो वो भी आप देखेंगे। सो ये छोटी सी चीज़ मुझे मैंने मोटिवेशन वीडियो के साथ ऐड कर दी। खैर सो थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपो निकालने वाले हैं?